नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेडिकली स्पीकिंग पर और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। शरीर का ज्यादा वजन कई बीमारियों को दावत दे सकता है। सामान्य से ज्यादा वजन कई समस्याओं को जन्म दे सकता है, इसलिए इसे कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI एक तरह का पैमाना है जिससे हैवी वेट को तय किया जा सकता है। BMI के आधार पर पता कर सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। ज्यादा BMI क्रोनिक बीमारियों को बढ़ावा दे सकता है। अगर आप नहीं जानते कि आपका BMI कितना होना चाहिए और इसे कम करने के लिए क्या क्या करना होता है तो इस वीडियो में जानिए। अपनी BMI का पता आप आसानी से लगा सकते हैं। किसी भी इंसान की ऊंचाई और वजन का अनुपात ही बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI होता है। BMI कैलकुलेट करने का पैमाना वजन या लंबाई स्क्वायर या BMI इज इक्वल्स टू वजन डिवाइडेड बाय ऊंचाई मल्टीप्लाइड बाय ऊंचाई होता है। इस फॉर्मूला से आप अपनी BMI का पता लगा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि BMI कितनी होनी चाहिए। कम वजन 18.5 से कम BMI, सामान्य वजन 18.5 से 24.9 BMI, ज्यादा वजन 25 से 29.9 BMI, मोटापा 30 या ज्यादा BMI। अगर किसी का BMI 30 या उससे ज्यादा है तो वो गंभीर समस्याओं के बीच घिर सकता है। इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज्यादा BMI होने से हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, पित्ताशय में पथरी, सांस से जुड़ी समस्याएं और कुछ तरह के कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। BMI को कंट्रोल कर इन समस्याओं से बचा जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं BMI कम करने के उपाय। डेली रूटीन और डाइट में बदलाव कर BMI कंट्रोल कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट तक एरोबिक एक्सरसाइजेस करें, इससे बहुत फायदा होगा। सैचुरेटेड फैट वाली चीजों का सेवन कम कर दीजिए, कम से कम करें। हाई फैट फूड से तौबा कर लें, यानी कि इससे अपनी दूरी बना लें। मांस, फल, सब्जियों और साबुत अनाज और लो कोलेस्ट्रॉल वाले फूड्स ही अपनाएं, इनका ही सेवन करें। रेड मीट और शर्करा वाले फूड्स ड्रिंक्स कम करें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और तमाम हेल्थ रिलेटेड रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल मेडिकली स्पीकिंग के साथ। धन्यवाद।